बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1-5 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर पी ओवर क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिकरिंग डेसिमल में वैल्यूज़ दिए गए हैं और इसको हमने चेंज करना है पी ओवर क्यू फॉर्म में, यानी कि रैशनल नंबर में। रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट। यहाँ पे देखें, डेसिमल पार्ट के बाद जो नंबर्स हैं वो सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन, 2, 2, 2 आता चला जा रहा है। यहाँ भी पॉइंट के बाद 3, 6, 3, 6, 3, 6 और इस तरह नंबर जो हैं वो आगे मुसलसल रिपीट होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से जब हमारे पास डेसिमल पार्ट के अंदर वैल्यूज़ होती हैं तो उसे हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन को चेंज करना है, रिकरिंग फॉर्म से रैशनल फॉर्म में, यानी कि पी ओवर क्यू फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज करना है, रैशनल नंबर में चेंज करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 0.5 और इसके ऊपर बार है। इस बार का मतलब है कि ये नंबर जो है वो रिपीट होता चला जा रहा है, ठीक है। बार का मतलब है कि यही वैल्यू जो है वो अगेन एंड अगेन आती चली जा रही है, ठीक है। 5, 5, 5 इस तरह से रिपीट होता चला जा रहा है। तो इसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल, x इज इक्वल टू 0.555 और इस तरह से ये 5, 5 चलता चला जा रहा है। अब यहाँ पर देखें, डेसिमल के बाद हमारे पास जो है वो 1 नंबर है। अगर डेसिमल के बाद 1 नंबर हो तो हमें अपनी वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हों जैसे 2.23 हो तो तब हमें उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जब हमारे पास डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज़ हों तो तब हमें जो है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 नंबर है इसलिए हमें इसकी दोनों साइड्स पर 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन वन को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं बाय 10 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और इस साइड में भी हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.555 और ये आगे मुसलसल चलते चले जा रहे हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10x इज इक्वल टू, अब हम कैलकुलेटर को यूज़ कर लेंगे और जो है वो 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 0.55 और 5 के साथ, 10 मल्टीप्लाई 0.555 और हम जितने 5 लिखते चले जाएंगे उतने ही 5 जो है वो हमारे पास आते चले जाएंगे। 0.5 हमारे पास आंसर आ गया है 5.55 and 5, तो 5 ही रिपीट होता चला जाएगा। हम जितने 5 लेते चले जाएंगे उतने ही 5 आगे आते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों की हमने सब्ट्रैक्शन कर लेनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को हम सेपरेट करेंगे और किस में से, इस इक्वेशन 2 में से, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 10x और इसको हमने माइनस करना है इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड जो कि x है उससे। इसी तरह इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड जो कि 5.555 और इसमें से हमने माइनस करना है इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड जो कि है 0.555 और आगे इसी तरह से जो है वो चलते चले जा रहे हैं। तो 10x में से 1x को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 9x आ जाएगा और इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे हम तो हमारे पास 5.55, कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं 5.555 और इसको माइनस करेंगे हम 0.55 and 5 से तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है 5। तो इस तरह ये जो हमारे पास डेसिमल के बाद वाले नंबर्स हैं ये रिमूव हो गए हैं और रिमेनिंग सिर्फ हमारे पास 5 रह गया। ये 9 जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा।
एक वैल्यू अगर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वही वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो यूँ हमारे पास जो है वो रिकरिंग डेसिमल में वैल्यू थी 0.5 बार 0.555, और इसको जब हमने कन्वर्ट किया रैशनल नंबर में पी ओवर क्यू फॉर्म में तो 0.5 बार रैशनल नंबर में कन्वर्ट होकर हमारे पास आ गया 5/9। एक दफ़ा स्टार्ट से इस सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास वैल्यू थी 0.5 बार, बार का मीनिंग था कि यही नंबर जो है वो रिपीट होता चला जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है, नंबर्स आगे अनलिमिटेड सो ऑन चलते चले जा रहे हैं। हमने इस वैल्यू को एक्स के इक्विवेलेंट कर लिया, डेसिमल के बाद वन नंबर था इसलिए हमने दोनों साइड्स पे जो है इक्वेशन की दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन वन को बाय 10 से, ठीक है। तो 10x इधर भी और इधर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास इक्वेशन टू आ गई। इन दोनों इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन की तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास ये आंसर्स आ गए। तो ये 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो यूँ हमारे पास जो रिकरिंग डेसिमल थी वो चेंज होके रैशनल फॉर्म में पी ओवर क्यू फॉर्म में आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट है 0.13 और इसके ऊपर बार है, तो इस बार का मतलब है कि 1313 जो है वो रिपीट होता चला जा रहा है। तो इस वैल्यू को हम लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.1313 and 13, और इसी तरह से आगे रिपीट होता चला जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो डेसिमल के बाद टू नंबर्स हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि अगर डेसिमल के बाद हमारे पास टू नंबर्स हों तो हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इक्वेशन वन का नेम देकर, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन, इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बाय 100। पॉइंट के बाद हमारे पास टू नंबर्स हैं तो इसलिए हम 100 के साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1313 and 13। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 100 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 100x, और अब हम 100 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 मल्टीप्लाई 0.1313 and 13। तो यूँ हमारे पास 13.13 13 और 13 13, जितने टाइम यहाँ पे 13 लिखेंगे ये रिपीट होते चले जाएंगे, ठीक है। मैं इसको 2-3 टाइम लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से आ गया, ठीक है। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी तरह से है ये भी, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे डेसिमल के बाद टू नंबर्स हैं, उसमें हमारे पास डेसिमल के बाद वन नंबर था। तो यहाँ पे टू नंबर्स होने की वजह से हम जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है वो इक्वेशन नंबर टू आ गई। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू इन दोनों की हम सब्ट्रैक्टिंग कर लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इक्वेशन वन को, और किस में से, फ्रॉम इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू में से हम इक्वेशन वन को पहले इक्वेशन टू को लिखेंगे, 100x है इक्वेशन टू की राइट लेफ्ट हैंड साइड, इसमें से माइनस करेंगे इस एक्स को। इसी तरह यहाँ पे राइट हैंड साइड को हम इसकी राइट हैंड साइड से इक्वेशन वन की राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे 13.1313 13 13 13, और यूँ आगे चलते चले जा रहे हैं, और इसको हमने माइनस करना है 0.13 13 13, और इस तरह से आगे चलते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो इक्वेशन टू की लेफ्ट हैंड साइड में से हमने इक्वेशन वन की लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर दिया, और इक्वेशन टू की राइट हैंड साइड में से इक्वेशन वन की राइट हैंड साइड को माइनस कर दिया, ठीक है। तो 100x में से 1x माइनस करेंगे तो 99x आ जाएंगे, ठीक है। 100 माइनस 1 हमारे पास जो है वो 99 हो जाएगा, 100 माइनस 1 99, तो इज इक्वल टू यहाँ पे 13 point, इसको सेपरेट करते हैं हम 13.131313, और इसको माइनस करेंगे 0.1313 and 13, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 13। तो इस तरह से ये डेसिमल के बाद का जो पार्ट है ये दोनों साइड से रिमूव हो गया, रिमेनिंग हमारे पास जस्ट 13 रह गया। तो ये 99 जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह ये 99 इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो गया। तो यूँ हमारे पास 0.13 13 13 13 जो के रिकरिंग डेसिमल की फॉर्म में था, इसको हमने रैशनल नंबर यानी पी ओवर क्यू फॉर्म में चेंज किया, कन्वर्ट किया, तो वो आ गया 13/99।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.67 और इसके ऊपर बार है। इस बार का मतलब है इसके 6767 जो है वो रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन भी हमारा सेकंड पार्ट की तरह ही है। यहाँ पर डेसिमल के बाद हमारे पास टू नंबर्स हैं। अगर टू नंबर्स हों तो हमें 100 के साथ दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करना होता है। इसको हम जो है वो इक्वेशन नंबर वन का नेम दे लेंगे और अब हम इसकी दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ। मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय 100। यहाँ पर डेसिमल के बाद टू नंबर्स हैं, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में डेसिमल के बाद टू नंबर्स हैं तो इसलिए 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स और राइट हैंड साइड में भी आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.67 और इस तरह से 67 आगे रिपीट होता चला जा रहा है। और 100 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 100x इज इक्वल टू, अब हमें 100 को मल्टीप्लाई करना है 100 मल्टीप्लाई 0.67 और इस तरह से जो है वो नंबर्स आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, 67.6767 और जितने टाइम हम 67 लिखते जाएंगे उतने टाइम आगे 67 आता चला जाएगा। हम डेसिमल के बाद जो है वो 3 times 6767 हमने लिख लिया, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब हम इन दोनों इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिकरिंग डेसिमल से रैशनल नंबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन, इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, किस में से, फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में से। तो इक्वेशन टू को हम पहले लिखेंगे और इक्वेशन टू की जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो है 100x, इसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन वन की जो लेफ्ट हैंड साइड है जो कि x है इज इक्वल टू इक्वेशन टू की राइट हैंड साइड जो है वो है 67.676767, इसमें से हमें माइनस करना है इक्वेशन वन की राइट हैंड साइड को और वो है 0.6767 तो 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 100 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 99 और साथ में आ जाएगा x, ठीक है, 100 माइनस 1 99 साथ आ गया x और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। ठीक है, 67.6767 इसको हम ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, 6767 इसको 3 times हम लिखेंगे और फिर माइनस 0.676767 तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 67। तो इस तरह सब्ट्रैक्शन करने से जो हमारे पास डेसिमल पार्ट के बाद वाली वैल्यू थी, इधर भी डेसिमल के पार्ट की बाद वाली जो वैल्यू थी वो रिमूव हो गई, ख़त्म हो गई और रिमेनिंग हमारे पास रह गया 67। अब ये 99 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, तो यूँ 99 x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू थी 0.67 ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल में थी, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट किया रैशनल फॉर्म में, रैशनल नंबर में, तो वो हमारे पास आ गया 67/99। तो सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 67 के ऊपर बार थी जिसका मतलब था कि 67 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने x के इक्वल लेट किया, पॉइंट के बाद टू नंबर थे इसलिए हमने दोनों साइड्स पे जो है वो इक्वेशन वन की दोनों साइड्स पे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 के साथ मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास इस साइड में 100x आ गया और इस साइड में ये वैल्यू आ गई। फिर हमने इक्वेशन टू और इक्वेशन वन लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस किया 100x - x तो ये आ गया हमारे पास और इस साइड में से हमने इस साइड को माइनस किया तो माइनस करने से हमारे पास 67 आ गया। तो 99 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था इधर आके डिवाइड, तो इस तरह रिकरिंग डेसिमल से जो है वो हमारे पास रैशनल फॉर्म P/Q की फॉर्म में आंसर आ गया 67/99।